मतदान की जैसे जैसे उल्टी गिनती शुरू होती जा रही है, सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने पूरी ताकत के साथ अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी आगरा लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी लगातार लोगों से जनसंपर्क करने में जुटे हैं। घर घर पहुंचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। किस तरीके से आपकी दिनचर्या शुरू होती है सुबह? आज सुबह से मैं 11 घंटे लगातार मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल पैदल चल के मैंने संपर्क किया है। 27 किलोमीटर लगभग आज मैं चला हूँ और लग ही नहीं रहा कि प्रचार हो रहा है। लग रहा है जीतने के बाद जो स्वागत समारोह होता है, अभी जिस जगह पर आप खड़े हैं यहाँ 150-200 साफे बांधे गए हैं, माला की है, मिठाई खिलाई गई है, इलेक्शन का ये रूप नहीं होता था। मैं 4 बार MP रहा हूँ, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा मिला के कैबिनेट मंत्री। वोट मांगने होते थे, जाना पड़ता था, रूटों को बनाना पड़ता था, विकास की बातें करनी पड़ती थी और बहुत टाइम लगता था। इस इलेक्शन में चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि जीतने के बाद आभार प्रदर्शन और चांदी के मुकुट और साफे और मिठाई और माला, तो ये जीत की संकेत होते हैं इस प्रकार से जब चुनाव होता है। बहुत थकान भी आपको बहुत हो जाती है, किस तरीके से थकान को दूर कर पाते हैं? नींद पूरी नहीं हो पाती? मैं बस 1.5-2 घंटे ज़्यादा कर रहा हूँ अपने रूटीन वर्क से। 16 से 18 घंटे मैं हमेशा काम करता हूँ। 5 गाँव का दौरा मैं अपनी लोकसभा और विधानसभा में हमेशा करता हूँ। अपने क्षेत्र की कोई शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कब्बाली नहीं छोड़ता हूँ। इसलिए दुख सुख में जाता हूँ तो मेरे लिए कुछ नया नहीं। अब ये थोड़ा 1-2 घंटे ज़्यादा हो रहा है बस, तो आदत पड़ी हुई है इसलिए परेशानी नहीं हो रही है। किससे टक्कर मान के चल रहे हैं? अब एक तरफा इलेक्शन है, अब टक्कर नहीं है। वैसे राजनीति में कहा जाता है किसी से टक्कर नहीं है, लेकिन अब इतनी देर में 5 विधानसभाओं में मैं कई बार हुआ हूँ। अब नंबर 2 पर जो रहेगा वो बहुत दूर रहेगा। आपका पूरा परिवार जुटा हुआ है? स्वाभाविक बात है, परिवार जुटा है, मित्र जुटे हैं, पार्टी जुटी है, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जुटे हैं, दोनों डिप्टी CM और CM साहब लग रहे हैं, पूरा संगठन लगा हुआ है। जब सब लोग लगे हैं तो परिवार को तो लगना ही है। पत्नी और बच्चों से बात हो पाती है क्या आपकी? पत्नी और बच्चों से वैसे ही होती है जैसे नॉर्मल दिनों में होती है। मेरे क्षेत्र से लौटने का आने का हमेशा 1 बजे से 2 बजे, मैं आम जीवन में 25 साल से लौट रहा हूँ तो वो कोई बात नहीं है, उनको भी आदत पड़ गई है। खाना किस तरीके से खाते हैं आपके? मैं हमेशा ब्रेकफास्ट करके चलता हूँ, लंच लेके चलता हूँ, डिनर हमेशा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खाता हूँ, चुनाव में नहीं। तो वैसे ही हो रहा है, बहुत साधारण खाना अगर खाएंगे आप, अपने गले को बचा के रखेंगे, पेट को ठीक रखेंगे और जीभ पर कंट्रोल करेंगे तो इलेक्शन आसान हो जाता है। जनता की ताकत शक्ति देती है आप? स्वाभाविक बात है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं कंटिन्यूस 11 घंटे से मैं देख रहा हूँ। मैं सोचता था ये मोहल्ला ठीक है, अगले में जाता हूँ उससे अच्छा भी नज़र आता है, फिर देहात में जाता हूँ तो उससे भी नज़र आता है। अगर चुनाव आयोग की बाध्यता ना हो समय की तो 3 बजे तक जनता प्रचार के लिए करने को तैयार है। चुनाव आचार संहिता का पालन करना होता है, अन्यथा दिन रात पूरी प्रचार में ही निकल जाए। परिवार के लोगों से बहुत कम ही मुलाकात हो पाती है, रास्ते में जो कुछ खाने के लिए मिल जाए वही कुछ खा पा रहे हैं सभी प्रत्याशी। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी का कहना है कि जीत उनकी तय हो चुकी है, दूसरे नंबर पर कौन आएगा इस बात की टक्कर दूसरे प्रत्याशियों में लगी हुई है। क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।